हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न के कुछ स्पॉटिंग रन्स के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। मैं हूँ बसंत सिंघल, और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। हाईली यूजफुल ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, अनअकैडमी पर भी मैंने लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दिया है, और यदि आप लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा रेफरल कोड दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो क्लास में मैंने ट्रिपल फिलर्स के ट्रिपल स्पॉटिंग रन्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यानी इस क्वेश्चन में पांच पार्ट में ये डिवाइड है, और तीन पार्ट में इसमें इरर है। और ये जो इरर है, ये ग्रामेटिकल भी हो सकती है, वर्ड रिलेटेड भी हो सकती है, और कॉन्टेक्चुअल भी हो सकती है। तो इन तीन इरर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो यहाँ से आपका आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसमें यदि सारे करेक्ट हैं तो फिर ऑल आर करेक्ट, ये आपका आंसर इसमें होगा। तो देखिए, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। दैट अपार्ट, यानी इसके अलावा, ही वुड फोकस्ड। देखिए, वुड के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ए पार्ट में आपका एक गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें, सॉरी, यहाँ पर मैं ए पार्ट लिख देता हूँ। वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वुड, कुड, मे, माइट, इन सभी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, अमंग यहाँ पर सही है क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। द आइडिया इज टू अप्रोच स्टूडेंट्स एंड टीच स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, हेल्थ एंड सिविक्स थ्रू साइकिलिंग होना चाहिए। ये मतलब स्कूल में हमें फिजिक्स, हेल्थ और सिविक्स पढ़ाना है साइकिलिंग के थ्रू, लेकिन ये थ्रू नहीं है, ये है थॉरो। ठीक है, तो एक इसमें ई पार्ट में गलती है, और एक इसमें, देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है सच एज और लाइक का। सच एज का मतलब होता है कि एज इट इज़। यदि आप फिजिक्स, हेल्थ और सिविक्स की बात कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप सच एज का यूज़ करेंगे। यदि आप सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, जैसे जैसे यदि आप बोल रहे हैं कि ही इज़ लाइक मी, वह मेरे जैसा है, वो मैं नहीं है लेकिन मेरे जैसा है, तो लाइक के थ्रू हम सिमिलरिटी दिखाते हैं, लेकिन सचेस के थ्रू हम एज इट इज़ उस चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर हम फिजिक्स, हेल्थ और सिविक्स सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इन जैसे किसी दूसरे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लाइक के स्थान पर यहाँ पर सचेस आ जाएगा, और इसमें हो जाएगा ए डी ई। ठीक है, यानी इसमें जो आंसर होगा आपका ए डी ई, फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं, और ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ये इस समय ट्रेंड में हैं। और आरबीआई, आरआरबी, नाबार्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इनसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं। व्हाइल इट वॉज कौशल्या देवी हु अशर इन, देखिए यहाँ पर हमने जो वॉज लगाया है, तो यहाँ पर फिर ये अशर्ड इन होना चाहिए। अशर्ड इन का मतलब क्या है, अशर इन का मतलब है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। वाइल इट वॉज कौशल्या देवी हु इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेंड, उन्होंने इस ट्रेंड को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अशर्ड इन होना चाहिए। तो एक तो ए पार्ट में इसमें गलती हो गई। ठीक है, ऑफ फिल्म एडेप्टेशन, फिल्म एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन मतलब जब एक किसी एक लैंग्वेज की मूवी को दूसरी लैंग्वेज में अडेप्ट करके उसको हम बनाते हैं। तेलुगु नॉवेल्स विद डॉक्टर चक्रवर्ती, इट वॉज सुलोचनाज राइटिंग दैट कैप्चर्ड द फैसिनेटिंग। देखिए, कैप्चर्ड का मतलब क्या है, किसी चीज़ को कैप्चर करना, तो हम कैप्चर क्या करते हैं, किसी चीज़ को कैप्चर करते हैं, तो इसमें क्या होगा, कैप्चर्ड वॉट, कैप्चर्ड द फैसिनेशन, कैप्चर्ड द फैसिनेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑफ एन एवरेज रीडर सिंस सिंस द 60s रिफ्लेक्टिंग कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स रिलेशनशिप विद हर सिग्नेचर नॉस्टाल्जिया स्टाइल। देखिए, स्टाइल क्या होती है, स्टाइल का मतलब है नाउन है ये स्टाइल, तो इस नाउन को हम मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव से, लेकिन नॉस्टाल्जिया अपने आप में एक नाउन है, इसको हम बोलेंगे नॉस्टैल्जिक। तो ई पार्ट भी इसमें गलत है, नॉस्टाल्जिक का मतलब होता है रिग्रेटफुल। ठीक है, पास्ट के बारे में सोचना, रिग्रेटफुल, जिसको हम विस्टफुल भी बोलते हैं। तो ए सी ई, यहाँ पर सी इसमें आपका आंसर होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉवेल्स क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट दैट आई वंडर्ड हाउ वुड यदनपुरी इंटरप्रिट, वुड के बाद इंटरप्रिट ही लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सर्टेन सिचुएशंस आई विटनेस्ड इन लाइफ, विटनेस्ड मतलब मैंने उनको देखा, फील किया। शी टॉक्ड अबाउट वेरी रिलेटेबल इशूज इन कॉन्ट्रास्ट टू फेमिनिस्ट लिटरेचर। तो यदि आप ध्यान से देखें सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा ई, दैट इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। सिंगापुर ऑर्डर सोसाइटी, सिंगापुर की जो सोसाइटी है वो कैसी है? ऑर्डर या ऑर्डर्ड सोसाइटी जो है ये एक नाउन है, तो इसके लिए एडजेक्टिव आपको बताना पड़ेगा कि कैसी सोसाइटी है। तो सिंगापुर की सोसाइटी जो है वो ऑर्डरली सोसाइटी है, ऑर्डरली एक्चुअली सही वर्ड है यहाँ पर। तो एक तो इसमें ये ए पार्ट गलत हो गया, ऑर्डरली होगा। सिंगापुर्स ऑर्डरली सोसाइटी मे नॉट बी एवरीबडी कप ऑफ टी, तो ये होना चाहिए एवरीबडीज कप ऑफ टी, यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए इसमें, ठीक है। बट इट्स हिस्ट्री सजेस्ट, इट्स हिस्ट्री सॉरी, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये इट्स जो है ये तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट्स हिस्ट्री। अब यहां पर हम तो सी पार्ट भी इसमें गलत है, यानी ए बी सी इसमें आपका सही आंसर होगा, सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। एक्चुअली व्हाट इज इंडिया एक्सपीरियंसिंग इन हायर एजुकेशन टुडे इज फार वर्स देन, देखिए एक तो ये गलती है इसमें देन की, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, फार वर्स देन बोल रहे हैं, और मेयरली द प्रोडक्ट ऑफ स्टूडियस बट क्रिएटिवली चैलेंज्ड यूथ। देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो है नहीं, यदि ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है इसमें एंड में, तो क्वेश्चन तो ये है नहीं, तो इसलिए हम व्हाट इज नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन पैटर्न है, व्हाट इंडिया इज बोलेंगे हम, ठीक है। तो एक तो ये ए पार्ट गलत हो गया, व्हाट इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इन हायर एजुकेशन टुडे इज फार वर्स देन, एक सी गलती हो गया, ये टी एच ए एन आएगा इसमें, मेयरली द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ स्टूडियस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टूडियस बट क्रिएटिवली चैलेंज्ड यूथ, यानी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसके लिए फेमस है या किसके लिए वो उसकी हालत किस लिए खराब है, क्योंकि वो बेस्ड है प्रोडक्शन ऑफ स्टूडियस बट क्रिएटिवली चैलेंज्ड यूथ। स्टूडियस तो हैं लेकिन वो क्रिएटिवली चैलेंज्ड हैं, इस तरह के स्टूडियस स्टूडेंट्स को का प्रोडक्शन करने में वो बेस्ड हैं। स्टूडियस तो हैं लेकिन वो पढ़ाकू हैं, क्रिएटिवली चैलेंज्ड हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, स्टूडियस तो हैं, तो इसमें हो जाएगा ए सी डी, नहीं, हाँ ए सी डी हो जाएगा, इसमें आंसर होगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम। इफ द बैंक्स डू इंडीड रिकवर फंड्स ऑफ दिस स्केल इट वुड कंसीडर रिड्यूस, इट वुड रिड्यूस है, रिड्यूस वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब कंसीडरेबली होना चाहिए ये, तो बी पार्ट इसमें गलत है, कंसिडरेबली रिड्यूस द बर्डन, बर्डन ऑन टैक्स पेयर होना चाहिए ये, क्योंकि बर्डन किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स हु वुड अदरवाइज हैव टू फुट द बिल, फुट द बिलिंग नहीं होता, फुट द बिल होता है, फुट द बिल का मतलब किसी व्यक्ति के लिए पे करना, जब आप साथ में जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो किसी व्यक्ति के लिए पे करना, और उस सिचुएशन में जबकि अमाउंट थोड़ा सा अनरीजनेबल हो, तो इसमें आपका ई बी सी ई सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, और ये करेंट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, ट्रिपल फिलर्स के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस समय, इन ए हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल इकोनॉमी रीजनल वैल्यू चेंज प्रोवाइड्स, चेंज के साथ ये प्लूरल है,
चेंज तो प्रोवाइड्स नहीं होगा, ठीक है, ये प्रोवाइड होगा तो एक तो बी गलती हो गया, प्रोवाइडिंग भी हो सकता है, आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड यहाँ पर वर्ब होनी चाहिए क्योंकि एंड के साथ दो वर्ब जुड़ी हुई है, एक है डाइवर्सिफाई एंड यहाँ पर होना चाहिए इंटेंसिफाई, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया पाकिस्तान टू डाइवर्सिफाई इट्स नहीं होगा ये, इंडिया और पाकिस्तान के लिए हम यहाँ पर देयर लगाएंगे। तो एक हो गया आपका डी और एक हो गया ये हो गया इंटेंसिफाई, एक हो गया आपका ई, बी डी ई इसमें आंसर होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इट वॉज द सिबिलिटी एंड सिबिलिटी नाउन है तो इसके बाद आएगा डिग्निटी, सिबिलिटी एंड डिग्निटी, एक तो ये पार्ट गलत हो गया इसका, इट वॉज देखिए वॉज पास्ट में है तो यहाँ पर फिर होना चाहिए मार्क्ड, यानी बी पार्ट में गलती है, एंड विच सीम्स कंप्लीट कंप्लीटली एट ऑड्स विद मतलब किसी चीज के उल्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, तो इसमें भी ए बी सी ही गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफर द चाइनीज एक्सेस टू द इंडियन ओशन, देखिए सबसे शुरू में हम वर्ब नहीं लगा सकते, शुरू में हमें नाउन चाहिए और इस नाउन का फॉर्म जो होता है वो या तो जेरंड होता है या टू ऑफर होता है, टू प्लस बी वन, तो ऑफरिंग हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो एक तो ए पार्ट गलत हो गया, ऑफरिंग द चाइनीज एक्सेस टू द इंडियन ओशन थ्रू द नॉर्थ ईस्ट कुड ऑल्सो गैल्वेनाइज द लोकल इकोनॉमी ऑफ दिस पार्ट ऑफ इंडिया, बट इट इज इम्पोर्टेंट है ये, बट इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इंडिया बिल्ड्स, देखिए इसमें एक सब्जंक्टिव एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर में, प्रेजेंट सब्जंक्टिव, तो इसमें हम बोलते हैं जैसे इट इज़ एसेंशियल, इसमें कोई व्यक्ति किसी को सजेशन देता है, ठीक है, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव, तो इस तरह की फॉर्म्स में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगाते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इट इज इम्पोर्टेंट दैट इंडिया बिल्ड एंड कंट्रोल, इसमें एस नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक टेंस हो जाएगा ना, जबकि ये टेंस नहीं है, ये तो एस तो हम टेंस में लगाते हैं, जबकि ये सब्जंक्टिव मूड है, इसमें हम सभी वर्ब के साथ एस नहीं लगाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ई, ए डी ई, इसमें भी आंसर आपका डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी हैव एडवांसिंग नहीं होगा, हैव एडवांस होना चाहिए, तो एक तो इसमें ए पार्ट में गलती हैव एडवांस सो मच दैट इवन माइनर जेनेटिक डिफरेंसेस सच एज दोज फैमिली मेम्बर्स दो नहीं होते, फैमिली मेम्बर दो से ज़्यादा होते हैं, और तो इसमें हो जाएगा अमंग यहाँ पर सी, मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश हम कितने लोगों में कर सकते हैं, यदि एक व्यक्ति है तो क्या एक व्यक्ति को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कम से कम दो लोग होने चाहिए तभी तो उनमें डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे, तो डिस्टिंग्विश यहां पर होना चाहिए इंडिविजुअल्स, तो ये हो जाएगा आपका ई, तो इसमें भी आंसर होगा आपका बी, तो ये है ट्रिपल फिलर्स के क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हेन पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए लॉ, पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए लॉ टू गिव इफेक्ट टू द जुडिशियल इन्वेलिडेशन ऑफ द तलाक ए बिद्दत, तीन तलाक ये आपने सुना सुना होगा, इट मस्ट बी प्राइमरीली, नहीं, जब हम प्रेजेंट टेंस लगा रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए इट मस्ट, यानी एक तो सी गलती हो गई, इट मस्ट प्राइमरीली इंश्योर, यानी डी गलती हो गई, इंश्योर अगेंस्ट देयर यूज नहीं आएगा क्योंकि तलाक ए बिद्दत की बात हो रही है, तो इसमें इट्स यूज आएगा, सी डी ई यहाँ पर आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ये ट्रिपल फिलर्स के क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, तो अनअकैडमी तो यूट्यूब पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा इस तरह के, और यदि अनअकैडमी पर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड, और इस रेफरल कोड के थ्रू आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस वहाँ पर आप मेरी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।